नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है 26 तारीख और आज है शनिवार, मतलब आज बड़ा शनिवार है। आपकी लाइफ में ऐसा आपको लगता है कि नहीं, मेरे घर में कोई टोने टोटके कर दिए गए हैं, भूत प्रेत ऐसी कोई बाधाओं का वास है, आपके घर में कोई भी तकलीफ है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तमाम चीज। दोस्तों, जब लाइफ में आपको शनि परेशान करते हैं तो तमाम तरह की तकलीफें आने लग जाती है। जैसे शत्रु आपके डेवलप हो जाएंगे, नौकरी धंधे में तकलीफें आ जाएंगी, बिना वजह की कलह शुरू हो जाएगी। शनि से जुड़ी हुई ढेरों प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर एंटर हो ही जाती है जब भी शनि परेशान करते हैं। और दोस्तों, जो नेगेटिव चीजें हैं वो सबसे ज्यादा बाथरूम में रहती हैं। तो आज दोस्तों बड़ा शनिवार है, आज शनि से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय यदि आपने मन से कर लिया तो शनि से जुड़ी हुई तमाम तकलीफों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे आज शाम को दिया बत्ती के समय रात को सरसों के तेल का एक दीपक आप घर की चौखट पर जरूर जला करके रख दें और उसमें कुछ उड़द के दाने डाल दें। इससे शनि की पनौती बहुत जल्दी दूर होगी। आज के दिन अपनी आईब्रो पर थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगाएं, इससे भी शनि ठंडे पड़ते हैं। काली गाय को दोस्तों आज के दिन काले उड़द जरूर खिलाएं। और दोस्तों, आज के दिन जहां पर भी काली चींटी हो वहां पर चीनी और आटा मिक्स करके ले जाएं और उन्हें खिला दें, क्योंकि ये शनिवार भी है और एकादशी भी है, तो शनि की पनौती से भी आपको छुटकारा मिलेगा, प्लस भगवान श्री हरि की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। पीपल के पेड़ के नीचे आज के दिन दोस्तों गुड़ का एक टुकड़ा जरूर रख करके आए। पीपल के पेड़ पर जो चींटे रहते हैं, ये चींटे जितना ज्यादा उस गुड़ को खाएंगे, शनि की पनौती आपके ऊपर से दूर होती जाएगी। जितना बड़ा भी टुकड़ा आप अफोर्ड कर सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे आज के दिन रख करके आए, शनि की पनौती दूर होगी। दूसरी, भगवान श्री हरि की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि का वास है और दूसरे कितने ही योनि के जीवों का वास है जिनके शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। और दोस्तों, आज के दिन आप काले नमक के कुछ टुकड़े कर लें, जितने भी आपके घर में बाथरूम हो, टॉयलेट हो, उतने आप टुकड़े कर लें और हर टुकड़े के ऊपर आप नीले रंग की पेन से 8 लिखते जाएं। क्या लिखना है? 8, क्योंकि आज मूलांक भी 8 का है, 8 शनि का अंक है। जहां जहां भी आपके घर में बाथरूम में बनी हुई है, जितने भी टॉयलेट्स हैं, बाथरूम है, हर जगह आप एक एक टुकड़ा रख दें। 10 दिन 15 दिन आप इसको यूं ही रखा रहने दें। उसके बाद में आप इन तमाम टुकड़ों को इकट्ठा कर लें, उठा लें और जहां पर भी गंदा पानी हो, जैसे कहीं गंदा नाला बह रहा है, कहीं गटर का पानी बह रहा है, ऐसी जगह जाकर के फेंक दें। आपके घर से नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आज के दिन दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो एक काले नमक का टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर 8 लिखें और उस व्यक्ति के ऊपर से सिर से पैर तक ऐसे 8 बार उस नमक के टुकड़े को उबार लें और उसको बाहर खड़े होकर बहुत जोर से घर की पश्चिम दिशा की ओर फेंक दें। तमाम तकलीफों से दोस्तों छुटकारा मिलेगा। करके देखिए, सुपाय करते रहे और खुश रहे। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।